बूंदों की छमाछम ने बरखा की याद दिला दी। सर्दी में शहरे बरसात के घेरे, दिन भर बूंदा बांदी के बाद रात को बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश जल थल एक हो गया, यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। कल तक वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहेगी, महकमा मौसमियात की पेशगोई। बारिश से लेस्को के तरसीली निजाम को भी ठंड लग गई। 40 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुगलपुरा, राजगढ़, शादी हुई, समनाबाद समेत दीगर इलाके बिजली से महरूम। एयरपोर्ट पर तैयारे उड़ान भरने से कासिर, 33 परवाजें मुतासिर, 11 मनसूख और 21 ताखीर का शिकार। मौसम सुहाना, शहरियों को मिल गया खाबों का बहाना। चटपटे खानों की दुकानों पर लाहौरियों के डेरे, कोई बारबेक्यू तो कोई सब्जी तो कोई फिश फ्राई खाए। दर्द की दवा दर्द बढ़ाने लगी, हड्डी और जोड़ दर्द के मरीजों को बड़ा झटका। न्यूबरोल फोर्ट के पैकेट में एक साथ 343 रुपए का इजाफा, 15 गोलियां 79 रुपए से 426 रुपए तक जा पहुंची। मरीजों की चीखो पुकार भड़ गई। पंजाब पुलिस के लॉजिस्टिक ब्रांच की नाहली खुलकर सामने आ गई। खरीदा गया यूनिफॉर्म एहलकारों में तकसीम ना किया गया। 1,80,000 एहलकार पुरानी वर्दी पहनकर ड्यूटी देने पर मजबूर। यूनिफॉर्म की इंस्पेक्शन होना बाकी है, पुलिस हुकाम का मौकिफ। गफलत या लापरवाही, 1.5 साल बच्ची अलीना को पोलियो के कतरे क्यों ना पिलाए गए। फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार फवाद खान पर मुकदमा। पोलियो कतरे ना पिलवाने पर दीगर 8 शहरियों के खिलाफ भी FIR दर्ज। पोलियो टीमों से अदम तुआवन पर जिला इंतजामिया ने कार्रवाइयां की। मुकदमात में कार सरकार में मुदाखलत की दफा शामिल। सरकारी मुलाजिम को धमकाने की दफा भी डाली गई। किसी मूजी मर्ज के फैलाव में अदम तावुन की दफा भी शामिल। 1 माह से 2 साल तक सजा और जुर्माना हो सकता है। मिनरल वाटर के नाम पर शहरियों को आलूदा पानी पिलाए जाने का इंकशाफ। शहर के 143 निजी वाटर प्लांट्स का पानी खराब निकला। फूड अथॉरिटी के लेबोरेटरी तजिए ने पोल खोल दिया। फेलशुदा प्लांट्स की प्रोडक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई। कमर्शियल और वाटर प्लांट्स की लेबोरेटरी नतायज की तफसीली फहरिस्त जारी। नतायज PFA वेबसाइट फेसबुक पेज पर देखे जा सकते हैं। फहरिस्त से सारफीन को मयारी पानी के इंतखाब में मदद मिलेगी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी। पानी महफूज बनाने के लिए पंजाब वाटर कमीशन बन गया। जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी वाटर कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पंजाब वाटर कमीशन मुकम्मल बाइख्तियार होगा, दीगर इदारे मुआवनत करें। कमीशन का सेक्रेटेरिएट लाहौर हाईकोर्ट में बनाने का हुक्म। पुलिस तशद्दुद का शिकार 10 साल अहमद अस्पताल से घर मुंतकिल। पुलिस ने अहमद के भाई को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। FIR में मजीद 3 दफात शामिल, 155C, 328A समेत एक और दफा शामिल की गई। 7 नामालूम अफराद की शनाख्त भी बच्चे से करवाई जाएगी। शेरशाह चौकी इंचार्ज समेत 3 एहलकार गिरफ्तार। मुलजिम गिरफ्तार करने की बजाय हमसे तफ्तीश हो रही है, पुलिस का रवैया इंतहाई गलत है, अहले खाना का इल्ज़ाम। अभी तहकीकात की जा रही है, तहकीकात के बाद हकायक सामने आएंगे। DIG इन्वेस्टिगेशन नाम वहीद। मेडिकल बोर्ड की तजवीज को एक रोज गुजर गया। नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी होगी या नहीं फैसला ना हो सका। बोर्ड ने सिफारिशात महकमा दाखिला को भिजवाई थी। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी आसान नहीं, सर्जरी के दौरान बैकअप होना जरूरी है। मरियम नवाज की जिना अस्पताल आमद, वालिद से मुलाकात। एंजियोग्राफी पाकिस्तान या बैरून मुल्क कराने का फैसला फैमिली करेगी। नवाज शरीफ को गुर्दों से ज्यादा दिल का मसला है। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का साबिक वजीर आजम की सेहत पर रद्द अमल। नवाज शरीफ का जिना अस्पताल में 6ठा रोज। वार्ड के अहाते में चहलकदमी की। वार्ड की खिड़कियां खुलवा कर 5 मिनट तक बाहर का नजारा करते रहे। नवाज शरीफ का इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक इलाज कराएंगे, जहां कहते हैं वहां ले जाते हैं।
पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब कहते हैं मुझे क्यों संभाला। नवाज शरीफ अस्पताल में भी खलीफा की खताइयां खाते हैं। दिल की शरियाने तो मोटी होंगी। गाई वार्ड में शिफ्ट होकर अपना मजाक खुद बनाया। फयाजुल हसन चौहान की तोपों का रुख नून लीग पर, बोले पहले ही कहा था एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। नैब में कुछ कमी कोताही है लेकिन मजमुई तौर पर ठीक है। एहतसाब ऐसा हो जो सबको नजर आए, शहबाज शरीफ का मुतालिबा। जिन्ना अस्पताल में भाई की अयादत के दौरान सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले अपने खिलाफ केसेस से सुरखरू होकर निकलूंगा, अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह ताला नवाज शरीफ के केस में भी करम करेगा, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। गिरफ्तारी के बाद अलीम खान की पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत, तहरीक इंसाफ के अरकान से मुलाकात। अलीम खान स्पीकर से भी मिले, बोले अल्लाह गवाह है कोई गलत काम नहीं किया, नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में कप्तान के साथ खड़ा हूँ, गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, अदालती फोरम पर सुखरू होऊंगा। ख्वाजा सलमान रफी की भी असेंबली आमद, कहा जब भी हम इकतदार में आए जेल में डाला गया, नैब कोई इल्जाम साबित नहीं कर सका, अदालतों से इंसाफ मिलने का यकीन है। बोले फवाद चौधरी जेल को 5 स्टार कहते हैं, देख ले एक दिन उन्होंने भी यहां आना है। पाकिस्तान के अपने टमाटर जो हैं वो महंगे भी बिकेंगे तो हम लेने के लिए तैयार हैं, इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट हम लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो मुल्क गरदार है। सानू इंडिया के टमाटर की किसी चीज़ की लोड़ नहीं, अल्लाह का शुक्र साढ़े को हर चीज़ रब ने सान दी है, साढ़े अपने किसानों की फसल बहुत ज़्यादा है, अच्छे तरीके ना खाइए साढ़े को मुकती ही नहीं। नहीं सानू इंडियन टमाटर कोई जरूरी नहीं पाए न, बल्कि बहुत अच्छा होया, साड़ी अपनी माशाल्लाह किसान मेहनत करते हैं, असी 10 रुपये ज़्यादा दे के अपने किसान को खरीद लाँगे, इंडिया के टमाटर असी कैंसल कर देने। हमें इंडिया की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, इंडिया हमारे आगे मोहताज है, हम एटमी ताकत हैं। भारतीय टमाटर नहीं चाहिए, अहले लाहौर ने टमाटर का बायकॉट कर दिया। भारतीय टमाटर 2 नंबर, हम क्यों खरीदें? शहरी यकजुबान, अंजुमन आड़तियां सब्जी मंडी भी आवाम की हम आवाज, भारतीय टमाटर फरोख्त करने से इनकार। वजीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियाल बोले हमें टमाटर की कोई किल्लत नहीं होगी। वजीर ज़राअत नुमान लंगड़ियाल, भारत आबी दहशतगर्दी कर रहा है। सूबाई वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान, वजीर सनत मियां असलम इकबाल का कहना है कि इमरान खान ने खुददारी के साथ भारत को जवाब दिया। पुलवामा हमले पर किसी किस्म का सबूत फराहम नहीं कर सका, भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी को शिकस्त का खतरा है, हम भारत की धमकियों से डरने वाले नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू, चिल्ड्रन अस्पताल की पेडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत, बोले पंजाब के सर्जिकल मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है, छोटे शहरों में सेहत की सहूलत मुयस्सर होना चाहिए। मेट्रो बस की सब्सिडी खत्म नहीं कर रहे, सूबाई वजीर हाशिम जमा बख्त का यू टर्न, मेट्रो ट्रेन जून जुलाई में पटरी पर आ जाएगी। सूबाई वजीर ने खुशखबरी सुना दी, बोले मनसूबे की तकमील के लिए फंड्स जारी कर दिए, मेट्रो बस को प्राइवेट करने का इरादा नहीं। वासा निश्तर टाउन रेवेन्यू स्कैंडल, तहकीकात का दायरा कार वसी, वासा का तमाम टाउन्स में रेवेन्यू के बिल चेक करने का फैसला, घरेलू और कमर्शियल टैरिफ के तहत वसूल बिलों की तहकीकात की जाएंगी, तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स रेवेन्यू से रिकॉर्ड तलब। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम करने का फैसला, महकमा माहौलियात के हेड ऑफिस में आला सतह का इजलास, प्लास्टिक बैग की रोकथाम के लिए कानून में तरमीम करने पर इत्तेफाक, प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के रहनुमा भी इजलास में शरीक। कितने सरकारी स्कूल शमसी तवानाई पर मुंतकिल, कितनों में काम अधूरा, पंजाब हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबे की इंक्वायरी का हुक्म, 8 अरब 35 करोड़ मालियत के प्लान की मुकम्मल छानबीन की जाएगी, डीजी एम एंड ई को टास्क सौंप दिया। शेल्टर होम्स की तामीर मुकम्मल करने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म, 4 शेल्टर होम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल, तजीनों आरइश का काम अभी बाकी, वॉशरूम और वजू के लिए भी बेहतर इंतजाम।
मुशीर वज़ीर-ए-आला मोहम्मद अकरम चौधरी का अंदरूने शहर की मार्केट्स का दौरा, पीटीआई वर्कर्स और ताजिरों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। अशिया खुरनोश के मयार को चेक किया, बोले महंगी अशिया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का एक और इंकलाबी इकदाम, गैर नसाबी सरगर्मियों के बैन अलाकवामी मुकाबले का इनेकाद, पांच रोजा टाकरा की इफ्तिताही तकरीब, 100 से ज्यादा आलमी और मुकामी तालीमी इदारों की शिरकत। प्रोडेक्टर डॉक्टर निजामुद्दीन बोले, तरक्की के लिए चैलेंजेस को कबूल करना पड़ता है, तालीम को मुलाजमत के हसूल के लिए जोड़ना नामुनासिब है। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर प्रोफेसर ताहिर इशफाक कहते हैं, टाकरा इंटरनेशनल टाकरा बन जाएगा, उम्मीद है हम मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करेंगे। और हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का दो रोजा दौरा, रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, तलबा के मुख्तलिफ मुकाबलों में भरपूर शिरकत, अपनी सलाहितों के जौहर दिखाए।